तो जी आज हम मलेशिया के वर्क परमिट की बात करेंगे, ठीक है, कि मलेशिया के वर्क परमिट के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, किन किन चीज़ों पे आप देख सकते हैं। आप जैसे आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं www.imi.gov.my, ठीक है, इस पे आप मलेशिया की वीज़ा से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स में ये है कि जो उनके फॉरेन वर्कर्स के लिए जो कंडीशंस हैं वो यही हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर और सर्विस, ये पांच सेक्टर्स हैं जिनमें आप जॉब्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि 18 से 45 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट ये है कि इनके लिए एक इमिग्रेशन सिक्योरिटी क्लियरेंस ISC चाहिए होता है, जो कि मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है और पाकिस्तान में कहाँ से कर सकते हो। पाकिस्तान के लिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि पाकिस्तान में ये आप कहाँ से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, पाकिस्तान में आप इस्लामाबाद से कर सकते हो। ठीक है, ये इसका एड्रेस गिवन है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, ये आजकल चेंज हो सकता है मेरे ख्याल से चक शहजाद में आजकल। तो खैर, यहाँ से आप ये पूछ के यहाँ जा सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है इसका मेडिकल, मेडिकल पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से कर सकते हो, वो एड्रेसेस भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, इस्लामाबाद में है और लाहौर में है और कराची में है, ये तीन वो सिटीज़ हैं जहाँ पे इनके ऑथोराइज मेडिकल सेंटर्स हैं, जहाँ से आप मेडिकल करके मेडिकल की रिपोर्ट्स ले सकते हो। इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में है, एफएट मरकज़ में है, फिर लाहौर में है, ठीक है, टाउनशिप लाहौर में है, और फिर मौलाना शौकत रोड पे है। खैर, ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कि मेडिकल कहाँ कहाँ पे इनके आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाती है कि किस टाइप की आप इनके लाइक वो कर सकते हो, कौन कौन से वीज़ाज़ हैं, कि क्या क्या इनके रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, और किस किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। अब जैसे कि यहाँ पे फेज़ वन में प्री अप्रूवल आ जाता है, ठीक है, तो उसमें VDR, वीज़ा विद रेफरेंस, ठीक है, ये चाहिए होता है फॉरेन वर्कर्स के लिए, और इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं, वेबसाइट से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपकी एयरपोर्ट पे क्लियरेंस के टाइम होना चाहिए, ठीक है, विद इन 24 आवर्स वो आपके अराइवल के आस के आपको वहाँ से लेके जा सकते हैं। जब आप वहाँ चले जाते हो तो फिर वो विजिट पास होता है, VP उसको बोलते हैं, और टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट भी होता है, वो आपने वहाँ पे एक और मेडिकल करना होता है। ठीक है, वहाँ पे एक और मेडिकल के बाद विद इन 30 डेज़ आप वो VP ले सकते हो, और उसके बाद आपको वहाँ आप 1 ईयर के लिए और 12 मंथ्स, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है, उसके लिए वो वैलिड रहता है। तो खैर, इसके अलावा नीचे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वीज़ा की फ़ीसेस क्या हैं और किस किस तरीके से ले, जैसे आप कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में ये 1800 इसकी लेवी फीस है। ठीक है, VP जो है विजिट पास वो 60 है, प्रोसेस 125 में है, ठीक है, और इस तरह पाकिस्तान के लिए 20 वीज़ा फ़ीस है, और 750 जो है वो सिक्योरिटी बॉन्ड है। अब सिक्योरिटी बॉन्ड क्या है, सिक्योरिटी बॉन्ड जैसे कि दुबई में लेबर सिक्योरिटी होती थी पहले, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, ये सेम वही चीज़ है। खैर, उसके अलावा आप चेक कर सकते हो कि अगर आप वर्क परमिट पे हो तो आप को अलाउड नहीं, क्या फैमिली को यहाँ पे लेके आओ, ठीक है, आपके साथ रहें, और आप फ्रंट लाइन पे भी नहीं आ सकते। फ्रंट लाइन मतलब कि जो फ्रंट लाइनर्स होते हैं कंपनी में, जो फ्रंट पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन पे आप नहीं आ सकते, तभी वो पांच कैटेगरीज हैं, और आप जो है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है, और मैरिज नहीं अलाउड आपको लोकल के साथ या फॉरनर्स के साथ, और फिर ये कुछ वो हैं कलर्स हैं कार्ड्स के, ठीक है, सेक्टर वाइज। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।